नासा के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले आप लोग ये जान रहे हैं कि हम लोग कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। ये सारी चीज़ें सबके जीवन में इस तरह से समाया हुआ है, जैसे भय इस कदर आ गया है कि मानो कि अगर बाहर निकलें तो कल क्या होगा मालूम नहीं। समस्या यहीं पर आके नहीं रुकी हुई है। समस्या जब आप कोरोना से पीड़ित होते हैं, इसके बावजूद भी हमारे पास सबसे बड़ी जो समस्या आ जाती है वो एसेट की आ जाती है। मैं बार बार लोगों से आग्रह यही करूंगा कि आप इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें। कोरोना वेव टू, जो ये कोरोना वेव टू है, पहला जो वेव था वो तो संभलने का मौका दे रहा था, लेकिन कोरोना वेव टू संभलने का भी मौका नहीं दे रहा है। अगर इस चीज़ों को आप जितना जल्दी हो सके समझ जाएं, आज मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा कि ऑक्सीजन क्राइसिस क्यों चल रहा है, क्या रीजन है कि हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, क्या है कि जिंदगी सड़कों पर दम तोड़ रही है, एक एक करके एक्सप्लेन मैं आज करूंगा। आप अब यहाँ पर थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा, कोरोना टू आखिर ये इतना भयावह क्यों? सवाल कि कोरोना टू आखिर इतना भयावह क्यों? जब विशेषज्ञ की बात करें, आप डॉक्टरों की राय माने, तो वो यही कहते हैं कि कोरोना टू जो वेव है वो डायरेक्ट जो है फेफड़ा पर इन्फेक्शन डालता है। उसका जो इफेक्ट देखने को मिल रहा है, लंग्स पर देखने के लिए मिल रहा है, अब दो दिन के अंदर ये इस पर अपना प्रभाव छोड़ जाता है। कौन? कोरोना वेव टू। अब दो दिन तो आपको संभलने का भी मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप ये सोचने पर मजबूर जाते हैं सर्दी है कि खांसी है कि क्या है, और ये नहीं समझ पाते हैं कि कोरोना है। अब जरूरत पड़ जाती है ऑक्सीजन की, अब समझिए, अगर आप थोड़ा सा देखें, अब जिंदगी यहीं पर टिकी हुई है। किस पर टिकी हुई है? ऑक्सीजन पर जिंदगी टिकी हुई है। एक सवाल सबके जहन में कि क्या भारत सरकार, क्या हमारा देश ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं है? क्या हमारा देश ऑक्सीजन की सप्लाई देने में सक्षम नहीं है? आखिर सड़कों पर जिंदगी दम क्यों तोड़ रही है? कौन है गुनहगार? तो एक एक करके मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब चीजों को देखिए, जैसे ही ऑक्सीजन की बात आती है, ऑक्सीजन सबसे पहले बनता कैसे है इसको आप जानिए। ऑक्सीजन बनता है, आपको यह मालूम है कि 78% नाइट्रोजन है, हर किसी को मालूम है 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी और अदर गैसेस हैं, आर्गन है, ये सारी चीज सारे गैसेस हैं, लेकिन हम बात करेंगे भी ऑक्सीजन पे। अब चीजों को थोड़ा सा समझिए कि एक जो ऑक्सीजन हम इस्तेमाल करते हैं, क्या वही ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में इस्तेमाल करते हैं, एटमॉस्फेयर के माध्यम से इस्तेमाल करते हैं, क्या उसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम यहाँ पे करते हैं? तो हम कहेंगे नहीं, हम यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। किसमें करते हैं? लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। अगर ऑक्सीजन को हम लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, तो उस लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए -183 डिग्री पर टेम्परेचर को ले जाया जाता है, इसके बाद ही ये लिक्विड फॉर्म में आता है, और लिक्विड फॉर्म में आने के बाद ही हम इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। चीजें अब आगे, अगर ये लिक्विड फॉर्म में हम ले भी आए, ऑक्सीजन मैंने बना भी लिया, किस तकनीक से बनाया? तकनीक यहाँ पे जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्रायोजेनिक तकनीक का इस्तेमाल करके हम इसको -183 डिग्री टेम्परेचर पर ले जाके ऑक्सीजन को बनाते हैं। लेकिन अगर मैंने ऑक्सीजन -183 डिग्री पर जाके लिक्विड फॉर्म में इसको ले जाके बनाया, तो आखिर हमारे पास जो एसेट होना चाहिए इसको मेंटेन करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो भी तो 183 डिग्री ही चाहिए, -183 डिग्री। उसके लिए हम लोग टैंकर का इस्तेमाल करते हैं, और आपके पास पूरी इंडिया में मात्र 7,000 टैंकर है, 7,000 टैंकर है आपके पास, और ये जो टैंकर है 7,000, इसी टैंकर आपको हर जगह पहुंचा रहा है, चाहे हॉस्पिटल हो या जिस भी जगह हो, ये भी क्रायोजेनिक तकनीक से बना हुआ टैंकर है। सवाल फिर दूसरा कि अगर 7,000 है तो सरकार इसको बढ़ा क्यों नहीं रही है? क्या सरकार को यह मालूम था कि कोरोना वेव आने वाला है? अगर हम 85% ऑक्सीजन पहले उद्योगपति यूज करते थे, तो 15% ही काफी था हॉस्पिटल के लिए, जो जरूरतें को पूरा करती थी। अब अगर बनाने का भी प्रयास करें इस 7,000 से अधिक टैंकर को, तो बहुत देर हो जाएगा। इसी वजह से हम लोग मदद ले रहे हैं बाहर से। अब एक चीज और, मान लीजिए कि ये 7,000 टैंकर आपको पहुंचा भी दे, आपकी समस्या को ये फुलफिल भी कर दे,
ठीक है, अब देखिए चीजों को थोड़ा सा यहां पे देखिए। मान लिया जाए कि ये टैंकर जो ये लिक्विड फॉर्म में है, यहां पे जो इसके माध्यम से हम लेके जाते हैं C-17 ग्लोब मास्टर, इसको उठा रहे हैं, मान लिया जाए कि टैंकर पहुंचा भी दे, समस्याएं तो अगली खड़ी होती है कि ऑक्सीजन की फैक्ट्री में टैंकरों की कतार लगी हुई है। क्या ऑक्सीजन की फैक्ट्री टैंकर में ऑक्सीजन भरने में सक्षम नहीं है? नहीं, एक ऑक्सीजन टैंकर को भरने में 3 घंटे का समय लगता है, 3 घंटे का, एक एक लंबी लाइनें हैं। अगर ये 3 घंटे लगेंगे तो आप कैसे सोचते हैं कि भारत की इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी आबादी, अगर वो इन्फेक्ट हो जाएगा, अगर उस वो इससे पीड़ित होगा तो सप्लाई आप तक पहुंच पाएगी? लेकिन हम हैं कि संभलेंगे नहीं, हम हैं कि सुधरेंगे नहीं, हम मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हम बार बार, हर कोई आग्रह कर रहा है, सरकार आग्रह कर रहा है, डॉक्टर आग्रह कर रहा है आप लोग से, यहां तक कि जो मर रहे हैं वो वीडियो बनाकर आग्रह कर रहे हैं कि बाहर मत निकलो, निकलो तो मास्क लगाओ, सैनिटाइजर का यूज करो, लेकिन हम हैं कि मानेंगे नहीं, हम हैं कि सुधरेंगे नहीं। आप एक आपकी गलती, एक आपकी गलती आपकी पूरे परिवार की जिंदगी को दांव पे लगाएगा, परिवार की जिंदगी दांव पे लगेगी, समाज की जिंदगी दांव पे लगेगी, समाज की जिंदगी दांव पे लगेगी, देश की जिंदगी दांव पे लगेगी। लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं, लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो मैं यही बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बचिए, अब बारी आगे। अगर मान लिया जाए 3 घंटे में ये फुलफिल हो रहा है, तो इसमें और रिस्ट्रिक्शन है भाई, और रिस्ट्रिक्शन है। अगर इसमें 3 घंटे में तो फुलफिल हो गया, इसकी एवरेज स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा स्पीड में ये चलेगी तो इसके साथ दुर्घटना हो सकती है। बताइए कितनी कंडीशन अप्लाइड है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है, हम लोग क्या कहते हैं कि हमें मेरी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है। अरे भाई, मेरी स्थिति वहां तक पहुंचने से पहले कि मुझे ऑक्सीजन की जरूरत चाहिए, मुझे इसकी निहायत जरूरत है, यहां पहुंचने से पहले, आप पेशेंट बनने से पहले सुधर जाइए। एक 3 घंटा एक ऑक्सीजन फैक्ट्री भरेगा, 40 से 50 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार है, स्पीड करेगा, दुर्घटना होगा इसके साथ, क्योंकि ऑक्सीजन एक ज्वलनशील पदार्थ है, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। लेकिन हम हैं कि मानेंगे नहीं। और सोचने की भी अजीब, इंसान भी अजीब अजीब तरह से सोचते हैं ना। इलेक्शन हो रहा है भाई, वहां पर कोरोना गायब है, अरे आपको उससे क्या मतलब है? क्या यहां पर 100 लोग खड़े हैं तो मैं क्यों नहीं? अरे भाई, वो 100 लोग खड़े हैं, अगर आप उसको समझा सकें तो समझाइए कि ऐसी गलती ना करें। आप 100 हैं तो मैं क्या करूं? आप तो जाएंगे, दूसरों को भी लेके जाएंगे। अगेन एंड अगेन मैं चीजों को बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि बचिए, चीजों से बचिए। अब नेक्स्ट, अब यहां पे एक सवाल और कि एक तो स्पीड 40 से 50, दूसरी चीज, अब अगर मान लिया जाए कि ये ऑक्सीजन की पूर्ति हो भी जाए, अगर यहां से भी ऑक्सीजन की पूर्ति हो भी जाए, अगर अभी जितने पेशेंट हैं उसके लिए हम पूर्ति कर भी दें, तो क्या अगर लगातार पेशेंट बढ़ते रहेंगे, बेड हॉस्पिटल का बढ़ते रहेगा, संभव है? सेनाएं उतर चुकी है, अब सोचिए सेना उतर चुकी है इस अभियान में। धन्य है और गर्व करते हैं हम अपनी सेना पर, अपने जवान पर, और सैल्यूट करते हैं ऐसी सेना को। हर मुसीबत में, हर आपदा में हमें सेना याद आती है। 23 ऑक्सीजन प्लांट हम लोग जर्मनी से मंगवाए, सेना ने 23 ऑक्सीजन प्लांट जर्मनी से मंगाया है लोगों तक पहुंचाने के लिए। सरकार ने रन ऑक्सीजन एक्सप्रेसवे चलाया है, एक्सप्रेस चलाया है लोगों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन ठीक है, सारी चीजें, लेकिन फिर एक सवाल आ गया कि उसकी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए तो क्रायोजेनिक तकनीक का ही तो इस्तेमाल चाहिए ना। मालगाड़ी में तो भेज नहीं सकते हैं, पैसेंजर ट्रेन से तो भेज नहीं सकते हैं, चीजें तो ऐसी है ही नहीं। चीजें यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बहुत भयावह लेके आ रहा है। अब आगे अगर थोड़ी सी आप चीज़ों को देखें तो मैं आपसे यही बार बार अगेन एंड अगेन आग्रह करूँगा कि आप संभलने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। नहीं संभलेंगे, देश बर्बाद होगा। लगातार मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या ये केयरलेसनेस लिखा हुआ है? ये मतलब ये इंसान को देखिए, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। लगातार कहेंगे मास्क पहनिए, नहीं पहनेंगे, सैनिटाइजर का यूज कीजिए, नहीं करेंगे, हम तो वही करेंगे जो करते आ रहे हैं, और बाद में जब आपके साथ घटना दुर्घटना होगी इसके बाद आप तांडव मचाएंगे, लेकिन पहले है कि मानेंगे नहीं।
मैंने क्या देखा, हम लोगों ने क्या देखा कि आपने न्यूज में देखा होगा कि एक महिला अपने पति को लेके जा रहा है, रास्ते में उसका पति को ब्रीदिंग प्रॉब्लम आया, उसके हस्बैंड को, अब वो क्या करे, छोड़ दे उसको? उन्होंने अपना मुंह उसके मुंह में डाल दिया जबकि वो जान रही थी कि ये कोरोना से इन्फेक्टेड है, कोरोना पेशेंट है, फिर उसने ऑक्सीजन देने की कोशिश करने लगा। अब आप ये समझिए क्यों ऐसी नौबत हम लाए, क्यों ऐसी परिस्थिति को हम खड़ा करें कि मुझे जो नहीं चाहकर भी हमको वो काम करना पड़ रहा है। तो चीज़ों को समझिए और ऐसी स्थिति से बचिए, केयरलेसनेस मत बनिए, केयर कीजिए। आगे अगर हम थोड़ा सा देखें तो अगर अपनी कंट्री को, अपने देश को बचाना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू डू लाइक दैट, आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, तभी जाके हमारी कंट्री सेफ होगा। नहीं तो बाकी जितनी भी चीज़ें हम बताए हैं, आप अगर इस चीज़ को महसूस नहीं करेंगे तो परिस्थितियां बदल सकती है, बहुत ज़्यादा बदल सकती है। आज हम इतना ही कहेंगे, नेक्स्ट जब मैं वीडियो लेके आऊँगा तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कोरोना आखिर क्यों लगातार इतना इफेक्ट डाल रहा है हमारे ऊपर, इसकी भयावह मंजर क्यों था। आज मैंने सिर्फ यही बताया कि ऑक्सीजन की किल्लत क्यों होती है, कि ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ रही है। ओके, आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।